आज मैं बना रही हूँ शाही भिंडी एकदम नए तरीके से, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनती है और बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब इसमें 1 प्याज रफली चॉप करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा प्याज मैंने काट लिया है, उसके साथ ही 2 कश्मीरी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे रॉ पीनट्स, तो क्वांटिटी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे डाल के हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा 5 से 7 मिनट, इसे निकाल के साइड में रख देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी भिंडी को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भिंडी को हमने धुल के सुखा लिया था इसका पानी और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब जो बचा हुआ तेल है इसी में हम इस भिंडी को रोस्ट कर लेंगे। तो भिंडी को भी हमें 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है बस, और इसे भी हम रोस्ट करके साइड में निकाल लेंगे। तो यहाँ भिंडी हमारी रोस्ट हो गई है, इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अब जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ठंडा पानी, और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट होगा, इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप दही और इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इस दही को हम सब्जी में मिलाएंगे तो ये दही हमारा फटेगा नहीं। तो बस इसे मिला के साइड में रख देंगे। अब चलते हैं भिंडी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया, उसको गरम कर लिया। हल्का सा जीरा ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे ये अनियन और पीनट वाला पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा जार को धुल के पानी डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। 5 से 7 मिनट में ही ये मसाला अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे या तो एकदम लो कर दें, और इसमें ऐड करेंगे वो दही जिसमें हमने धनिया मिला के रखा था। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वापस से गैस ऑन कर लेंगे और इसे चलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉईल ना आ जाए या फिर ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ इसे पकने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ये अच्छे से पक जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट की हुई भिंडी। तो बहुत ही कम समय में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी बन के तैयार होती है। बस अब इसे मिक्स कीजिए और लेड लगाकर इसे 5 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो यहाँ मैं लिड लगा रही हूँ, 5 मिनट के बाद फिर इसे चेक करेंगे। देखिए भिंडी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी ये भिंडी बनती है, बनने में बहुत कम समय लगता है। बस अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हल्का सा मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कितना अच्छा कलर आया और कितनी अच्छी हमारी ये भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बस यहाँ पर हम हीट ऑफ कर देंगे और चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।